सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? होप करता हूँ अच्छे होगे। सो अभी चल रही है थोड़ी सी पढ़ाई और अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में साइकिल लेने हिया के लिए। मतलब उसके पास पहले भी एक साइकिल थी जब वो छोटी थी, तो उसने कभी वो साइकिल चलाई नहीं, मतलब उसको कोई सिखाया ही नहीं। सो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास जब मेरे को साइकिल मिली थी, मैं शायद तब क्लास सेकंड थर्ड में होगा जब मेरे को बाहर बाहर चलाने वाली साइकिल मिलती। मतलब एक वो छोटी साइकिल होती है बच्चों की, जो घर मतलब जो घर में चलती है, तो मैं वो सीख गया था ऑलमोस्ट सेकंड में। बाहर चलाता था मतलब मैं साइकिल। सो और वो अभी पहुँच गई फिफ्थ में और वो उसको साइकिल आती नहीं है, तो उसको साइकिल भी सिखानी पड़ेगी। और उसके लिए साइकिल ले भी रहे, वो छोटी वाली हमने उन्हीं को भेज दी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ट्यूशन के लिए और साइकिल लेने आएंगे ट्यूशन के बाद, क्योंकि यह कभी ट्यूशन है। और अभी लेने जा रहा हूँ मैं बुलेट, क्योंकि बुलेट में जाऊँगा मैं ट्यूशन। और मेरे को अपने एक फ्रेंड को भी लेना है पिक करना है, तो मैं उसको भी लेके जाऊँगा। सो चलो चलते हैं कोचिंग के बाद जाएंगे साइकिल लेने और आपको दिखाऊँगा। और जैसे ही उतरो, यहाँ कालू से खड़ा रहता है, अभी कूदेगा सुन लेगा, सब करेगा। नहीं, मैं देखो नहीं छूंगा। और अभी बुलेट लेने जानी पड़ेगी दुकान। और ये इनका रोज़ का काम जो ये लोग खोद देते हैं, ये हमेशा का हो गया, महीने में एक बार होता ही है। फिर इधर कॉन्क्रीट डलता है, फिर इधर खोद देते हैं, कुछ भी कुछ करते रहते हैं साले का। तो चलो चलते हैं। सो मैं तो अभी कोचिंग से आ गया, अभी हिया को कोचिंग से लेने आया हूँ, उसके बाद चलेंगे साइकिल लेने हिया को भी लेके। सो आपको दिखाता हूँ रास्ते में। सो ये आ गई है हिया। इसको कैमरा में आने में बहुत, इसको बहुत शर्म आती है, पर वो शायरी बहुत मारती है ऑफ कैमरा व्लॉगिंग के नाम पे। सो अभी चलते हैं और लेके आते हैं। सो हम साइकिल लेने पहुंच गए हैं और मैं आपको लेके सीधा घर में दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। सो लेके मैं आपको सीधा बाद में मिलता हूं। तो यहाँ आ चुकी है साइकिल और आप देख सकते हो कि जल्दी उन्होंने इसलिए नहीं उतारी, फिर बोला उन्होंने स्क्रैच आ सकता है, तो मैं बोला मैं घर में उतार लूँगा। और टाटा की है ये, बेसिकली गैलन इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नेम। और 21 गियर है इसमें। मेरे को ज़्यादा इतनी नॉलेज तो है नहीं, मतलब पूरी स्पेसिफिकेशंस एकदम, दोनों आगे पीछे डिस्क है। और बहुत अच्छी ही लगती है, मतलब थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बिकॉज इसके टायर्स थोड़े मोटे हैं, मतलब उतने नहीं है जो एक फैट बाइक आती है, लेकिन अच्छे खासे मोटे हैं नॉर्मल साइकिल से। और मैं इसको भी चला के ही आया हूँ MG रोड से। और इसका डिस्क यहाँ पे, इसका साइकिल देखने आ गई बाहर, यहाँ से गेट खोल के आ गई। बताओ कितनी शैतान हो गई है। अब इसको बाहर देखिए, वो भी घूमने वाली जाएगी। सुबह एक बढ़िया सा राउंड मार के मैं साइकिल यहाँ ऊपर लेके आ गया हूँ। वहाँ मेरी पुरानी साइकिल, इसको भी अंदर कर देंगे अभी फिलहाल, यहीं रखते हैं। बहुत मेहनत से ऊपर चढ़ी है, नीचे रख सकते थे लेकिन नीचे कालू बाहर निकलता तो वो तो ख़त्म कर देगा, इसलिए ऊपर रखें। सो ठीक है, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और उसके पहले वाला ब्लॉग भी मैं आज अपलोड कर दूँगा, वो भी अटका हुआ है, लेकिन मेरे पास वो पूरा रेडी पड़ा है, बस मैं डाल नहीं रहा हूँ। 4-5 दिन हो गए उसको बनाए हुए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।